स्टार्ट हो गया। गो ऑन। अच्छा, मेटल कार्बन कर रहे थे ना हम। सर सिनर्जिक बॉन्ड किया था लास्ट चीज। पाई एसिड लाइगेंड है ना। यस सर। सीओ के बारे। अच्छा चलिए, जब तक दो मिनट मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिखिए कि भाई डाइपोल मोमेंट ऑफ सीओ बताया था क्या? डाइपोल मोमेंट ऑफ सीओ इज लोअर देन आर एक्सपेक्टेशंस। डाइपोल मोमेंट ऑफ सीओ इज लोअर देन आर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेस्ड ऑन देयर electronegativity difference. Explain why. बताइए, मैं एक मिनट में आता हूँ। यस बच्चों, बता रहे कोई? सो कैन यू गिव 2 मिनट्स? बेटा 2 मिनट से बहुत ज्यादा है। अगर आपको नहीं क्लिक करा तो कोई बात नहीं है। देखिए देखिए, सीओ हम इस तरह का पोलैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट इसमें होता क्या है भाई, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है और भाई पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो ये एक रिवर्स पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस, और इसकी वजह से नेट डाइपोल क्या होता है, कम हो जाता है। गेटिंग इट? तो लिख दीजिए कि भाई सिंपल सॉल्यूशन ड्यू टू भाई रिवर्स पोलैरिटी जनरेटेड बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ठीक है बच्चों, और ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी जनरेटेड ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे लिखा भी. तो ये बात हो गई. अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि N2 जो है इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, CO जो है इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब भाई और बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली CO की इवन बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 से ज़्यादा होता है, बट स्टिल N2 इज केमिकली इनर्ट, इसीलिए 78% N2 आपके आसपास है. CO इज केमिकली एक्टिव और इसका रीज़न बेटे ड्यू टू पोलैरिटी है भाई, इसका रीज़न ड्यू टू पोलैरिटी इन CO. तो पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, पार्शियल प्लस पे पार्शियल माइनस वाला रिएजेंट जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, और पार्शियल नेगेटिव पर इलेक्ट्रोफिलिक जा सकता है, एंड सो ऑन. है ना, तो ये भी लिख दीजिएगा. और CO दिमाग में आया तो मैंने CO से रिलेटेड दो चीज़ें पूछ दी आपको कि भाई ये लिख दीजिएगा कि भाई CO has higher bond energy than N2. CO has higher bond energy than N2, but is still chemically more active than nitrogen. And this is because of polarity. Sir, chemically more active than nitrogen because of polarity. Thank you, sir. जल्दी करो बच्चों. सर भाई, सर CO के जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा करता है बेटा, आप बताइए. आपने जीओसी पढ़ा है? सर पोलर वाला करेगा भाई, जिसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो करेगा. यस बेटे, हटा दूं तो देखिए भाई, हमने पाई एक्सेप्टर लाइगेंड जो थे वो शुरू कर रहे थे बच्चों, और हमें आज भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में बात करनी है. मतलब आज का हमारा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स. पहले हेडिंग ये नोट लिखिए, अब बहुत सिंपल सा नोट है कि मेटल और CO के कॉम्प्लेक्सेस जो है इनको मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं. ठीक है, तो लिख दीजिए आप कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल एंड CO आर मेटल कार्बोनिल्स. Next point, metal carbonyls having only one metal atom, are mononuclear, and metal carbonyls having
and metal carbon is having more than one metal atom, more than one, metal atom, are polynuclear carbonyls. Are polynuclear carbonyls. देखिए अभी तक तो बहुत सिंपल चीजें लिखवाई हैं, अब मैं क्या लिखवा रहा हूँ कि बेटे जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कार्बन्स होते हैं उनमें मेटल मेटल बॉन्ड हमेशा हो, तो लिख दीजिए ऑल मेटल, ऑल पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन्स, ऑल पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन्स विल बी हैविंग will be having the metal metal linkage metal metal linkage. देखिए बेटे मैंने टर्मिनल लिखा है और ब्रिज लिखा है, मैं इनको वैसे और डिटेल में बताऊंगा बट अभी के लिए ब्रिज में बस इतना ही लिखवाऊंगा कि ऐसा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल जिसमें कम से कम एक CO दो मेटल से कनेक्टेड हो उसे ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे आगे. तो लिख दीजिए कि पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल हैविंग, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल हैविंग एटलीस्ट वन CO, हैविंग एटलीस्ट वन CO अटैच टू, having at least one CO attached to two metal atoms, two metal atoms is bridged polynuclear carbonyl. Is bridged polynuclear carbonyl. और ये कॉपी कर दीजिए मेरे बच्चों. So the third point was all polynuclear carbonyls will be having metal-metal linkage, correct? Yes, sir. सर आपने एम एन टी एंड उसके नीचे क्या लिखा है? कहाँ एम एन टी? व्हाट सर? एम एन टी कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा एम एन टी कहीं भी. सर एम टू सी ओ होल्ड टेन टर्मिनल के नीचे. बट वो टी की है, वो आ रही है, रीनियम है. स्मॉल एपीसीडी आपको सीखनी पड़ेगी. सर आपने टी ई लिखा है, टी सी लिखा है? टी सी लिखा है बेटा. ओके
जनता जल्दी बेटा इतनी देर देर में लिखेंगे ना तो आपका सिलेबस ना नेक्स्ट ईयर तक पूरा होगा, समझ रहे हैं? थोड़ा जल्दी करिए, लिखना ही कुछ नहीं था और मुझे कोई लोड नहीं भैया ना, मतलब आप जितना स्लो कहें मैं उतना स्लो जा सकता हूँ, मतलब आप कहें कि एक क्लास में एक पेज पे लिख दो फिर छोड़ दो, मैं वो भी कर सकता हूँ। हाँ ये पता ही है सबको कि मतलब इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता है। नाउ वी सी अब देखिए भाई By measurement of stretching frequency. अब stretching frequency क्या होती है भाई? पढ़ा है कुछ bonding में? No sir. No sir. बेटा कोई भी diatomic molecule में मतलब atoms जो होते हैं इस तरह से vibrate करते हैं, oscillate करते हैं, तो mean position के about जो frequency of oscillation है उसी को भाई vibrating frequency, stretching frequency या vibrating frequency कहते हैं। तो लिख दीजिए कि भाई frequency of oscillation about mean position, frequency of oscillation of atoms about mean position, about mean position is known as the stretching frequency और देख लीजिए इसका मौलिक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेसिकली स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1/2πc स्पीड ऑफ लाइट k बाय म्यू, तो k फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू रिड्यूस मास होता है एंड k इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इससे कैसे एविडेंस आता है वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, करिए उसके बाद बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए CO isolated versus CO ligand और CO isolated और ये तो CO bond order
तो ये जो होगा वो इसमें ज्यादा होगा, दिख रहा है यहाँ टू और थ्री के बीच में, या थ्री यहाँ भी थ्री और टू के बीच में, लेकिन थ्री के ज्यादा क्लोज होता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस जो आता है बॉन्ड पैरामीटर्स में, उससे हमें एविडेंस मिलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा होगा, क्योंकि मतलब आइसोलेटेड सीओ से पैरामीटर्स जो होते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स अलग होते हैं। कॉपी कर दीजिए एक छोटा सा नोट और तो लिख दीजिए कि भाई डिफरेंस इन बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ आइसोलेटेड सीओ एंड लाइगेंड सीओ, is taken as an evidence in support of backbonding in metal carbonyls. देखिए एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल अगर ज्यादा होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा था, ये इधर आ रहा है ये इधर, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बढ़ेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगा, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो यहाँ पे CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, CO बॉन्ड एनर्जी कम होगी और CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO कम होगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मतलब, अगर नहीं पता हो तो, अगर ये ज़्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन ज़्यादा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, CO बॉन्ड ऑर्डर कम। अब इससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज अपने आप सोच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल अगर ज़्यादा होगा, अगेन ये ज़्यादा, ये भी ज़्यादा और ये कम हो। अब देखिए भाई ये कॉपी करिए और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट पेज पर, कॉपी करके बताइए जब हो जाए तो। इसमें क्रोमियम कार्बन बॉन्ड लेंथ L1 L2 L3 कंपेयर करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ L4 L5 L6 कंपेयर करना है,
बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिएगा। क्या कहते हैं भाई, हो गए? सो लाइक L1 लेस देन L2 लेस देन L3 एंड L4 ग्रेटर देन L5 ग्रेटर देन L6 पहले वाले का। हां सर, L1 इज द लीस्ट वन। So like L1, L2, L3 in increasing order. क्या नाम? जय। Yes. भाई जय, मतलब। चलिए, और कोई बच्चा? निशी और कहाँ कहाँ गए बच्चे ने? अपेक्षा और एक और था कोई, आत्मन? नो वन? आत्मन, नो वन? चलिए भाई देख लेते हैं। भाई जय, आपने किया बहुत ही बढ़िया लगा, एंड एज एक्सपेक्टेड आपका आंसर गलत है। देखिए मतलब यार कुछ करना भी नहीं है, सिंपल है कि ये क्या हो रहा है। देखिए बैक डोनेशन ज़्यादा था तो मेटल कार्बन का बॉन्ड छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक क्रोमियम 6 को मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसमें एक क्रोमियम 4 को दे रहा है, इसमें एक क्रोमियम 2 को दे रहा है, तो पर CO सबसे ज़्यादा इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल भाई कार्बन जो लेंथ होगा वो इस तरह से होगा। बच्चा पार्टी कोई बट टू बोल्ड द प्रेजेंस ऑफ ईएन अफेक्टेड। यार बहुत ही बेटा, ईएन के होने से ही तो अफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ईएन बढ़ गया, ईएन की वजह से तो हो रहा है। ईएन और क्या अफेक्ट करेगा? हाँ बेटा, ओके गॉट इट, बिकॉज लाइक ईएन डजंट एक्सेप्ट अलोन So that won't affect. It is not a pi equivalent ligand. चलिए बहुत बढ़िया, मतलब फाइनली आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा CO की तरफ जा रहे हैं, तो CO बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। CO बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऐसे होगी। देखिए अगर किसी को कोई दुख या दर्द, सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे आपने CRC बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर किया? बेटा मैं कर चुका हूँ, आप बताइए क्या नहीं आया। मैं बार बार ऐसे नहीं, सर मतलब आपने मतलब सर CO जिसमें ज्यादा है उसमें कम कैसे? आप पीछे वाला पेज देख लीजिए और उससे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 28 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 28 इलेक्ट्रॉन है, और भाई तो ये 28 इलेक्ट्रॉन है। CO बॉन्ड लेंथ देखिए भाई, यहाँ पे फिर ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, तो भाई मतलब ये हम देख रहे थे कि ये ज्यादा जाएगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऐसे आ जाएगी। इस पेज को कॉपी कर लीजिए और बताइए जब हो जाए तो, फिर आगे बढ़ते हैं। Anyone remains?
इसमें भी वही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। और एक अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ सर, वन ग्रेटर देन टू होना चाहिए ना, बिकॉज नेगेटिव हुआ है सब मेटल। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बट अभी देखते हैं। हाँ भाई देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सीओ की तरफ ज्यादा जाएगा, तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा देन ज्यादा एल वन एल टू, यहाँ पे प्लस है तो सीओ की तरफ कम जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी। यहाँ पे सब जगह सीओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, जल्दी बताइए। देखिए दो ही है, एल वन है एल टू है, तो या तो एल वन कम होगा या एल टू ज्यादा होगा, ना मतलब जो भी है, तो उसका रीजन क्या है आपका? आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एनी रीजन फॉर योर आंसर बेटा? सो प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोराइड फॉस्फेट। भाई उससे क्या हुआ यार, मतलब देखिए आप ऐसे, वो तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है, ट्राइमिथाइल है, ट्राइफ्लोरो है, उससे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और निकल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ पीएफ3। और कोई बच्चा कोई अच्छा आंसर? कोई नहीं है, चलिए बढ़िया। देखिए ये पाई एक्सेप्टर है, इस बार ये एन पाई एक्सेप्टर नहीं था, ये पी पाई एक्सेप्टर लाइगेंड है। अब पाई एक्सेप्टर एबिलिटी जो होगी वो पी आर थ्री और पी एक्स थ्री में इस तरह से होगी, पी एफ थ्री, पी सी एल थ्री, पी बी आर थ्री, पी आई थ्री, पी एफ थ्री, पी सी एल थ्री एंड ये इस तरह से। तो अब इसमें देखिए भाई, निकल से पीएमई थ्री के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और सीओ के पास, यहाँ पे पीएफ थ्री के पास और ज्यादा जाएंगे तो सीओ के पास कम जाएंगे, सीओ के पास कम जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सीओ कम होगी। तो ये एक्सेप्टर एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, पीएफ थ्री की एक्सेप्टर एबिलिटी बढ़ गई तो सीओ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। कॉपी कर दीजिए, सिंपल सा है। So, can you repeat the reason? Beta, can you ask me what you didn't get? I'm not understanding why L1 is greater. Shouldn't L1 be smaller? Why L1 should be smaller? You just make me understand this. Because nickel will give its pi electrons to phosphine trimethyl, right? So, it will give less to CO. Usko bhi dega wo. तो यहाँ पे इसको भी देगा बेटा। मैंने ये बताया कि ये पी एफ थ्री बेटर है
एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये निकल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो सीओ पे कम हो जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. सर ये पाई एक्सेप्टेबिलिटी का जो ऑर्डर दिया आपने एक्सपेरिमेंटल है या इसका कोई रीजन है? क्या बात है, आपका नाम बताइए. श्रेयांश सर. कौन सा सर? श्रेयांश. श्रेयांश. हां यस भाई श्रेयांश, तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा कभी जिंदगी में? सर समझ गया सॉरी. अरे 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 बहुत ही सड़वा क्वेश्चन था. बच्चों जल्दी करिए, ये सिंपल है कि एफ ज्यादा विड्रॉइंग होता है, सीएल कम होता है. अगर आप डांसर ये भी नीचे चमकता तो भाई इट्स नॉट ए गुड साइन. तो भाई श्रेयांश जो है लड़का हमारा हीरो है. इस बैच का हीरो कौन है? बच्चों कोई तो होगा. ये श्रेयांश तुम ही हो क्या? दूर दूर तक नहीं सर. दूर दूर तक नहीं, मुझे तो तुम ही लग रहे हो अभी, पास पास से भी दूर दूर से भी. चलिए साहब कोई बात नहीं. सीओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, इट्स क्वाड इनिशिएशन. ब्रायन को बहुत प्यार करती है जनता, उसका नाम लिख लिख के भेज रहे हैं. देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोशिश करिए करने की. जो बच्ची हमारी अभी पूछ रही थी, बेटी आप देखिए हो सके तो अपने आप से करिए. क्या कहते हैं, मैं बताऊं कि कर रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ, पाई एक्सेप्टेबिलिटी PCl3, PCl2 pH, PCl pH2 और pH3 ये आएगा. तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू सीओ जो होगा, अगर इसको ए इसको बी इसको सी और इसको डी दें तो ए में निकल से सीओ सॉरी मेटल से मॉलिब्डेनम से सीओ की तरफ सबसे ज़्यादा जाएंगे और बी में सबसे कम जाएंगे. और अगर ए में ज़्यादा जाएंगे तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो लेंथ एल वन फिर एल टू फिर एल थ्री और फिर L4 होगा. पार्टिकल्स कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, मैंने लिख दिया इस बार रीजन. और मॉलिब्डेनम फास्फोरस अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, मान लो L1 डैश और L2 डैश L3 डैश और L4 डैश, तो अब भाई P की तरफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में जा रहे हैं? भाई मॉलिब्डेनम ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू फॉस्फोरस डी में सबसे ज्यादा होगा, फिर सी में, फिर बी में, फिर ए में. तो डी वाला लेंथ जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा. तो एल फोर डैश एल थ्री डैश और ये बच्चा बाटी ऐसे. देखिए पेन हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी कर दीजिए.
So can you show the previous page for a second? ये हो जाएगा तो देखते बेटा. Okay. डाउट है अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी है तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एल वन लेस देन एल टू लेस देन एल थ्री लेस देन एल फोर क्यों नहीं होगा. आपका नाम बताइए. सर जयशंकर. जयशंकर बेटा इतनी देर में आपको अभी तक यही नहीं पता लगा कि अगर ये लोन पे इधर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बढ़ेगा नहीं. कितनी सैड बात है यार. सॉरी सर बॉर्डर. कोई दिक्कत नहीं है. तो भाई अब देखिए सीओ बॉन्ड लेंथ के हमने क्वेश्चंस करे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. अब हम जा रहे हैं ब्रिजिंग सीओ की तरफ. भाई सीओ एज अ लाइगेंड वर्सेस सीओ एज अ ब्रिजिंग यूनिट. तो एज अ लाइगेंड तो हम देख ही चुके हैं. सीओ एज अ लाइगेंड भाई क्या होगा, ये पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होगा, ये इधर और भाई ये इस तरह से कुछ आ रहा होगा. अब देखिए सीओ एज अ ब्रिजिंग यूनिट जो होता है वो भाई एक्चुअली इट इज सिंपल कार्बोनिल और कीटोनिक ग्रुप. ये लाइगेंड नहीं है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है. समझ लो भाई हमने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप है एंड डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद मेटल. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा. और बेटे देखिए ये कैसे होगा, ये सिंपल एक कीटोनिक मेटल और ये मेटल इस तरह से कीटोनिक लिंकेज बना रहा होगा और इस लिंकेज में भी सीओ ये भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका और भाई मेटल एक इलेक्ट्रॉन इसका मेटल एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये क्या आ गए दे आर रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. अच्छा बाटी तो देखिए सीओ जो है ब्रिजिंग वो लाइगेंड नहीं है, मतलब वो क्या है सिंपल एक कनेक्टिंग भाई कीटोनिक लिंकेज है. अच्छा पार्टी Done, sir. Done, sir.
और आराम से लिखिए, मतलब देखिए मैंने स्पीड वैसे कम कर दिया बेटा स्पीड, मैं बहुत आराम आराम से लिखूंगा, आपका सिलेबस लेट होगा बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना सा लिखने में इतने टाइम लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल स्लो स्लो लिखिए, ऐसे ए लिखिए फिर थोड़ा मौसम देखिए कैसा है, फिर बी देखिए, है ना, ऐसे ऐसे करके लिखिए, बिल्कुल फास्ट मत लिखिएगा बेटा। तो सी ओ एज अ लाइगेंड और सी ओ ब्रिजिंग यूनिट और तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसमें तीन और दो के बीच में थ्री की तरफ है, इसमें तो दो ही है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, करिए कॉपी। डन सर। यस सर। अच्छा अब देखिए मैंने मतलब ये बताया होगा आपको कि भाई जब मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या होगा, लाइगेंड्स आएंगे, लाइगेंड्स के फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें एक और डायनेमिक्स है और वो डायनेमिक्स क्या है कि भाई जब मेटल के पास भाई लाइगेंड अप्रोच करेगा तो लाइगेंड के जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपल भी कर रहे होंगे, बात समझ रहे। तो लिखिए इस बात को कि भाई इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स when ligand approaches metal atom or ion, when ligand approaches metal atom or ion, then high energy electrons of ligand ripples inner electrons of metal next point yeah isi mein and due to these repulsions sometimes pairing of electrons may take place against Hund's rule. ठीक है, next point. Ligands which ripples inner d electrons of metal but is unable to pair them up against Hund's rule.
against Hansol is known as weak field ligand. And ligands which repels inner d electrons. Inner d electrons of metal so strongly. That they are that their pairing takes place against Hund's rule. Then such ligands are called as strong field ligands. अब देखिए भाई इसका एप्लीकेशन क्या मैं बताऊंगा, तो ये कॉपी कर सकते हैं अभी कि ligands को हमने कहा कि भाई अगर मतलब देखिए ligand क्या हो रहा है, मेटल के inner d electrons को repel करेगा, कुछ केसेस में उनको पेयर कर देगा अगेंस्ट Hund's rule, उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand, और जो नहीं कर पाएंगे उनको कहेंगे वीक फील्ड ligand. भाई इनर लिख लीजिए, तीनों बैचेस में सबसे पीछे ये बैच है, थ्री ईयर में कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, फ्लैगशिप वाला आपसे कम से कम एक क्लास आ गया ऑलरेडी, मतलब अभी नहीं, इसके बाद तो और कितना जाएगा पता नहीं. देखिए जनरली भाई कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, सी एन पी डोनर जो होते हैं इन पे लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होगी, और ये भाई एसएफएल की तरह करते हैं, और ओ डोनर्स और एक्स डोनर जो होते हैं लोन पेयर की एनर्जी कम है, ये डब्ल्यू एफ एल की तरह बिहेव करते हैं. हमें सीओ पढ़ना है, सीओ के बारे में बात करनी है, तो वो एक strong field ligand. भाई लोगों जब हो जाए तो बता दीजिए. Noted sir. Yes sir. Done sir. Done sir. Answer. Answer. Yes, बच्चों हो गया. एक मिनट. बिल्कुल आराम से बताइए. Yes, sir. Done. Answer. Done. देखिए एक एक करके हम भाई मेटल कार्बनेट्स के कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे. पहले NiCO4
अब देखिए चार सीओ आ रहे हैं, ठीक है, एसएफएल है, तो बेटे अगेंस्ट हंसफुल पेयरिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा आर्गन 3D10। अच्छा एक बात देखिए, हमें हर एक केस में पहले ये तय करना होगा कि कितने ऑपरेटर्स की जरूरत है एमटी निकल पर। तो भाई सिंपल सी बात है, निकल के चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 4 एमटी एचओस, मतलब हाइब्रिड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। और भाई अब देखिए 3D10 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4S खाली होगा और 4P खाली होगा, मतलब यहाँ से क्या आएगा 4 एमटी SP3 HOs, और मतलब निकल क्या होगा SP3, ये CO, ये CO, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक करेंगे। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है बेटा, 5 तो भाई ने जो बताया 5 अच्छा आंसर था कि ये 2 सीओ पर एक निकल एक सीओ है ना, और भाई अगर हम इन्वॉल्विंग सेंट्रल एटम नहीं करेंगे तो फिर वो बेस प्लेन एक सीओ 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 का वो ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। एनीवेज भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी बहुत सारे यार, जल्दी जल्दी बताइए। जन ता जन आर्दन क्या बात कर रहे हैं, फिर गाड़ी अटक गई, थोड़ी सी चली थी गाड़ी फिर अटक गई बेचारी भाई क्या होगा जल्दी बताओ, सर 5 होगा बेटा, आपका नाम बताइए, शार्विल, कौन सा विल, शार्विल, शार्विल बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, देखते हैं और कोई पार्टिकल, देखिए मतलब कि 5 कैसे कह सकता है कोई भी, यार मुझे समझ में नहीं आता, 4 ही ना, 4 आ रहा है ना, 4 वाले का नाम क्या है, क्रिश, क्रिश मेरे सुपर हीरो, सुपर जीरो निकला देखिए ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, मतलब बहुत ही सिंपल है यार, ये आपने ऑप्टिकल पढ़ा है, तो बेटे देखिए मतलब ये टेट्राहेड्रल में जब चारों सेम है तो कोई भी दो अगर ले लें, कोई भी दो सीओ, तो उनसे पास करता प्लेन प्लेनर सिमेट्री होगा, चार सीओ में से दो सीओ सेलेक्ट करने हैं, मतलब 4C2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए मेरे बच्चों, तो ये कॉपी कर लीजिए, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। डन सर, डन सर, हो गया सबने कर लिया, यस सर। चलिए अब ये बताइए बेटे एक चीज और कि sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप मतलब अरेंजमेंट क्या होता है, लोन पेयर नहीं है, मतलब डोंट आस्क मी कि लोन पेयर है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा भी, स्क्वायर होता है, PCL5 आप याद कर सकते हैं, जो बहुत एक्साइटेड होकर कुछ और बोल रहे हैं, PCL5 इसका एग्जांपल है, तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, सर स्क्वायर पिरामिड, मतलब आपने पहले लिखवाया था सेकेंडरी वैलेंसी 5 पे दो शेप्स होते हैं,
मतलब तो मैंने आपको बता दिया था वो d ऑर्बिटल कौन से लेने पे क्या आएगा, मतलब बता दिया था कि नहीं बताया था? नहीं सर, बस आपने बताया था सेकेंडरी वैलेंसी 2, 3, 4, 5, 6 और उसके शेप्स बस। अच्छा 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 बेटे देखिए, अब ये जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, मेरे को फालतू में यहाँ पे बताना पड़ रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए भाई, अब देखिए ये तो सभी जानते हैं कि भाई मतलब एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल है, हर डायरेक्शन में सेम है, और पी और डी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे भाई पी और डी मिक्स होगा तो भाई वैसे वैसे डायरेक्शनल नेचर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, गेटिंग इट। अब देखिए भाई, अगर हम एस प्लस पी एक्स ले लें तो क्या आता है, लीनियर आता है अरेंजमेंट, और भाई सॉरी मैंने यहाँ पे हाइब्रिडेशन लेनी थी एस पी, और यहाँ पे क्या आता है, लीनियर आता है। अगर x है तो x एक्सिस के लॉन्ग, y है तो y एक्सिस के लॉन्ग, z है तो z एक्सिस के लॉन्ग, गेटिंग इट। अब भाई अच्छा, अब देखिए s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई अगर हमने लिया तो अब क्या आ गया भाई, एस पी टू आ गया और ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो क्या आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, और कौन सा प्लेन आ गया, एक्स वाई प्लेन, अगर वाई जेड होगा तो वाई जेड आ जाएगा एंड सो ऑन। अब बेटे देखिए, मतलब आप ये समझिए कि भाई अगर जैसे जैसे पी आ रहा है वैसे वैसे हम कह रहे हैं कि डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में डायरेक्शनैलिटी बढ़ना मतलब किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना, और भाई आप इसको सिंपलेस्ट वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सेम प्लेन का पीडी मिक्स करेंगे तो अरेंजमेंट के अंदर कॉर्नर पड़ता जाएगा, मतलब ऐसे सोचिए कि स्फेयर में कोई कॉर्नर नहीं है, बात समझ रहे हैं भाई, लीनियर में दो कॉर्नर आ गए, ट्राइगनल प्लेनर में जब आपने एक और सेम प्लेन का मिक्स कर दिया तीन कॉर्नर आ गए, अगर आप एक्स वाई प्लेन का एक और कुछ मिक्स कर देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर पेंटागन आ जाएगा, फिर हेक्सागन आ जाएगा एंड सो गेटिंग इट। तो अब देखिए भाई, ये हमने देखा, अब इसमें एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लो तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन का है, तो इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस पी टू, और एस पी टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पहले लिखा गया कि बाद में इसमें भी फर्क होता है वो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा अभी आगे बताऊंगा नेक्स्ट पेज वगैरह टाइप। तो देखिए हमने यहाँ तक ट्राइंगल प्लेनर था, हमने एक और एक्स वाई प्लेन का मिक्स करा तो क्या आ गया भाई, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है, डी कौन सा यूज होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही यूज होगा, और अगर हमने एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, बेटे अभी तक हम ट्राइगोनल बेस पर आए हैं और बहुत ही सिंपल है कि ये ट्राइगोनल बेस है, और अगर आपने पी जेड मिक्स करा मतलब आपने आउट ऑफ द प्लेन वाला जेड मिक्स करा है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है, सभी जानते होंगे पी जेड ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। मैं बार बार इसमें शेप लिख देता हूँ, एस पी थ्री और ये टेट्राहेड्रल है ना। और अब देखिए आप, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ तक आ गए भाई, स्क्वायर अरेंजमेंट आ गया। सॉरी ये तो आपने लिख दिया बेटा, अभी शांति से तुम सुन लो, कमेंट्री नहीं करो तो मैं पढ़ा लूं, नहीं तो आप पढ़ा लो ना बेटा, सॉरी यू मस्ट बी, थैंक यू। तो देखिए हमने यहाँ तक क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और अब अगर इसमें हम पी जेड मिक्स कर दें तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड आ रहा है, तो ये एस पी थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस पी टू थ्री आ गया, और ये क्या आ गया भाई, स्क्वायर पिरामिडल। तो देखिए मतलब एस पी थ्री डी में अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ तो क्या होगा भाई, स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब देखिए एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई कहाँ तक आ गए, अब वो भाई बोलेगा सर ये आपने पढ़ा दिया, तो भाई मैंने पढ़ा दिया, मुझे भी पता है क्या पढ़ा दिया, शायद तुमसे ज्यादा मुझे पता होगा। तो एनीवेज यहाँ पे क्या आ गया, ट्राइगनल प्लेनर आ गया,
और इसमें अगर एक pz और एक dz स्क्वायर, तो आप ये देखिए एक ट्राइंगल पेरेंट यूनिट था, एक pz ऊपर से dz इसके नीचे से, तो बेटे इसको एक्चुअली ना मतलब देखिए इस हाइब्रिडाइजेशन को जो sp3d है इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sp2 प्लस pz हाइब्रिडाइजेशन, आप समझ रहे हैं, मतलब इसके लिए हम ये एक्चुअली भाई ये हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे 3 था तो मिक्स हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको भी एक्चुअली क्या बोलते हैं sp2 प्लस pz dz स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन और sp3d z स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, भाई इसके लिए भी हम dsp3 भी ले सकते हैं, dz स्क्वायर sp3, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ गया, तो देखिए आपसे पूछा जाए कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा कि स्क्वायर पिरामिडल होगा, तो ये हम डी के ऑर्बिटल के टाइप से बता सकते हैं, अगर जेड स्क्वायर हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। आई होप आई एम गुड। और भाई अब देखिए एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई और प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्या हो गया भाई स्क्वायर आ गया, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले भाई आत्मन या जो था कोई बात नहीं, और पी जेड और डी जेड स्क्वायर मतलब दो ऊपर से आ गए, तो इसको देखिए क्या बोलते हैं एक्चुअली सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस पी टू प्लस पी जेड डी जेड स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, आपके लेवल पे हम इसे भाई डी टू एस पी थ्री या हम इसे एस पी थ्री डी टू बोल देंगे, और क्या आ गया भाई स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल इसी को बोलते हैं। अब भाई एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई ट्राइगोनल प्लेनर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स वाई मतलब क्या आ गया पेंटागन पी जेड डी जेड स्क्वायर, तो ये एस पी थ्री डी थ्री हो गया और ये क्या आ गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ गया। और मेरे बच्चों S प्लस, अब इसमें क्यों हमने डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड यूज करें ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आगे आएगा, तो इसे डी थ्री एस बोलते हैं और ये टेट्राहेड्रल होता है। देखिए मैंने टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल से शेप कैसे एसोसिएटेड होती है ये बताई, और तीन कॉलम है उसमें, एक जगह टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दूसरी जगह में टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और तीसरी जगह शेप है, ये कॉपी कर लीजिए। D3S के कोई एग्जांपल्स पता है बच्चों? है बच्चों? नो सर। चलिए कोई बात नहीं बताते हैं भाई।
डन सर. सब लोग कर चुके जनता. डन. तो D3S के एग्जांपल बता रहे कोई कि नहीं बच्चों? बच्चों देखिए जल्दी बताइए, इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा सर. कोई डी ब्लॉक का होगा कुछ. क्या बात, देखिए इसने बिल्कुल कितना करेक्ट बताया कि कोई होगा, मतलब कितना सटीक है, मतलब कितना स्पेसिफिक है. बट आप कर क्या ना हुआ अरे कोई होगा सर खत्म बात. मतलब आप जैसे मेरे से पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, कोई होगा यार सिलेबस खत्म बच्चों. मतलब आगे के सारे चैप्टर में कुछ होगा, सारे सिलेबस खत्म हो गया. ऑर्गेनिक का भी मैं ही कर दे रहा हूँ और फिजिक्स मैथ्स का भी, कि किसी में कुछ होगा. बड़े जी बात नहीं है सर. कोई बात नहीं, बहुत ही वाहियात आंसर था. ऐसा आंसर ना भी दें तो चलेगा, ऐसा आंसर तो देके कोई फायदा नहीं है. देखिए बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो तो बिल्कुल सही था, आप वो भी याद रख सकते हैं कि कोई होगा. दैट वाज लाइक अमेजिंग, यू नो इवन आई कुडंट थिंक ऑफ इट. व्हाट वाज योर नेम? कोई होगा. हाँ हरी. हरी बहुत ही सड़े हो यार तुम तो काफी वाहियात बकवास आंसर दिया आपने बेटे. कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के हीरो आप ही हो. तो ये सभी में D3S हाइब्रिडेशन होता है बेटे, आपको ये याद रहना चाहिए. कोई होगा भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ओलंपियाड लेवल आंसर हो गया मतलब ये. तो एनीवेज अब देखिए हम वापस आते हैं, हमने भाई क्यों उठाया ये. अच्छा मैं वो भी बताता हूँ एक बात कि भाई देखिए अगर कभी भी NS, NP और N-1D यूज हो रही है, मतलब तो इसे जैसे मतलब एग्जाम्पल में भाई हम DSP2 लिखते हैं या D2SP3 या DSP3, मतलब इसको दिखाने का मतलब होता है कि डी इनर यूज हो रहा है. तो इनको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. मैं एग्जाम्पल दूंगा, और अगर मैं NS, NP और ND यूज कर रहा हूँ सेम आउटर मोशन का, मतलब इसे हम ऐसे लिखते हैं SP3D या SP2D या फिर SP3D2. तो इनको बोलते हैं भाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ये मैं लिखवाऊंगा भी डेफिनेशन पॉइंट से, और ये भी लिखवाऊंगा कि जनरली इनर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि छोटे डी ऑर्बिटल्स भाई यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होगा. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं वापस कार्बोनिल पर स्विच कर जाऊँगा. पार्टिकल्स पहले कॉपी कर दीजिए. तो हरी इतना जबरदस्त फिलॉसफी तुम कहाँ से पढ़े हो यार ये? हरी से बातें करते हैं हम तो यार. अरे भाई हरी कहाँ गया तू? हाँ हाँ सॉरी सर. अरे मैं कह रहा हूँ इतनी जबरदस्त फिलॉसफी कहाँ से पढ़ रहा है यार, क्या कर रहा है तू ये? कुछ लिटरेचर हमें बता दे यार, वो तो हम भी पढ़ लेंगे भाई. हरी कुछ रिकमेंड कर दे बेटे किताब विताब पढ़ने के लिए. सर कर दे बेटा, बर्बाद कर दे बच्चों को कर दे मतलब जो हरी किताब पढ़ लेगा वो 12th में भी फेल होगा पक्का. IIT तो छोड़ दो. चलो बेटे हम एक कंपटीशन करा रहे हैं हरी, मतलब दो चार बच्चे हम सेलेक्ट करें धुरंधर से, तो इस बैच से आपका नाम मैं देता हूँ ना. बच्चों हो जाए तो बताइए. हो गया सर. Done, sir. Done, sir. बच्चों लिख दीजिए कि भाई कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स इन विच
d orbitals from inner shell are used d orbitals from inner shell are used are known as inner orbital complexes inner orbital complexes and complexes in which outer d orbital is used is outer orbital complex is outer orbital complex theek hai next point generally inner orbital complexes are more stable than outer because of greater efficiency of overlap using smaller d orbitals so could you repeat the last slide because of greater efficiency of overlap due to smaller d orbitals thank you okay देखिए तो अभी जो SFL वाली बात बताई वैसे देखिए आगे मतलब VBT में भी आएगा CFT में तो वहां पे तो और ज्यादा डिटेल में देखेंगे बट अभी मैं एक एग्जांपल दो एग्जांपल दे रहा हूँ देखिए जैसे Fe(F6-3) तो बेटे यहाँ पे देखिए आयरन प्लस थ्री है तो क्या आ गया आर्गन 3D5 अच्छा एफ माइनस कैसा है वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है बताइए जल्दी से वीक फील्ड है ना हैलोजन वीक फील्ड होते हैं वीक फील्ड है मतलब will not pair up electrons तो यहाँ पे देखिए arrangement क्या होगा एक दो तीन चार पाँच ऐसे ही रहेगा अब hybridization में क्या use होगा भाई hybridization में use होगा 4s 4p और 4d मतलब ये complex जो होगा ये क्या आ गया भाई para magnetic mu कितना आ गया root of 35 pm 5 × 5 + 2 और भाई मतलब sp3d2 छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो sp3d2 ही होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अब टू ड्रॉ सम कंपैरिजन लेट अस सी FeCN6-3 तो अब देखिए यहाँ पे आयरन प्लस थ्री आर्गन 3d5 बट इस बार मतलब ये जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा भाई एक दो तीन चार पाँच और ये D2 ये 4s और 3 4p ये 3 4p होंगी ये इंटरमिक्स होंगे तो क्या आएगा 6 empty D2 sp3 HOs तो ये देखिए ये क्या हो गया ये भी पैरामैग्नेटिक है भाई पैरामैग्नेटिक म्यू जो है वो कितना आ गया रूट ऑफ 1 × 1 + 2 मतलब रूट ऑफ 3 bm बट ये भाई D2 sp3 है ये sp3 D2 नहीं है और ये क्या आ गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो जो मैं बात बता रहा था मैंने उसको भाई एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट किया दो एग्जांपल से देखिए अगर कुछ परेशानी हो तो पूछ लीजिए नहीं हो तो कॉपी कर दीजिए फिर जल्दी मैं आता हूँ।
जनता कर लिया? यस सर। सर आई हैव अ डाउट। यस बेटे। सर हम ये तो एग्जांपल देके क्या इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या होता है और वीक फील्ड के साथ क्या होता है। ओके सर। चलिए साहब अब आते हैं वापस से कार्बनल्स कर रहे थे कार्बनल्स। देखिए बेटे, देखिए FeCO5 ये हमारा टारगेट है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो आयरन क्या हो गया आर्गन 3D6 4S2। अच्छा कितने एम टी ऑर्बिटल चाहिए हमें? भाई 5 एम टी डी ऑर्बिटल चाहिए हमें। ठीक है, are required और CO के business में क्या हो जाएगा, pair up है ना। अब देखिए भाई ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 4S और 4, ये क्या आ गया भाई यहाँ से 5 MT DSP3 HOs आ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो चुकी। और ये क्या आ गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब देखिए बच्चों मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको भाई, भाई अच्छा ये 5 जो होंगे ये क्या करेंगे, मतलब ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप्स विद फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CO। अब देखिए भाई अगर भाई हमें इसका शेप पूछा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि बेटे sp3d जब भी होता है ना तो आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो लेते हो वो ठीक है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और इसका रीजन है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में रिपल्शन थोड़े से कम है, मतलब अगर हम 90 डिग्री के पेयर्स देखेंगे तो हर एक मतलब जो एक्सियल वाला है वो 3 से 90 पर है, स्क्वायर पिरामिडल में देखेंगे तो 4 से 90 पर है। अगर PCl5 पूछा जाए या आपसे जो बॉन्डिंग में आपने sp3d केसेस करे हैं XTO3F2 and all, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल जो फॉर्म है वो सिर्फ तभी नोन होती है जब मेटल और लाइगेंड के बीच में कुछ पाई कैरेक्टर हो, पाई एसिड लाइगेंड, हियरिंग इट। और इवन FeCO5 जो होता है, देखिए सॉलिड स्टेट में अगर देखें तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है, बट FeCO5 का अगर हम सॉल्यूशन ले लें तो इसमें दोनों फॉर्म्स मिलती हैं भाई, बोथ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म्स आर नोन। और मैं एक नोट लिखवाऊंगा भी कि स्क्वायर पिरामिडल सिर्फ वहीं पे रेलेवेंट होगी जहाँ पे
मेटल लाइगेंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पाई ओवरलैप आ रहा है क्योंकि पाई ओवरलैप से कुछ ज्योमेट्री स्टेबलाइज हो रही होगी। तो देखिए हम कहते हैं कि FeCO5, अब आपको नहीं दिया हो कि सॉल्यूशन है कि सॉलिड है तो हम सॉलिड का बताते हैं। तो FeCO5 जो होगा वो ये इस तरह से, और ये FeCO5 दोनों फॉर्म्स इस तरह से भाई कॉमनली एग्जिस्ट करेंगी। और बेटे देखिए मैं लिखवाऊंगा अभी कि एक मॉलिक्यूल का दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में फ्लक्चुएट करना जो होता है इसको हम कहते हैं फ्लक्सियोनिटी। और फ्लक्सियोनिटी जनरली 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स में मिलती है। साथियों पहले कॉपी करिए फिर मैं थ्योरी नोट लिखवाऊंगा, कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। Done, sir. कर चुके हो शो? यस यस सर। तो लिख लीजिए फिर पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट फ्लक्चुएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स to different geometrical forms is known as flux unity. Next point, in complexes of coordination number 5, square pyramidal form is found. Square pyramidal form is found mostly if there is pi electron donation from metal to ligand, और देखिए बच्चों, देखिए ऐसे ही देखें, Cl में हार्डली कोई पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी है और वेकेंट ही है और कुछ नहीं है। तो भाई ये मोस्टली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहता है। अब ये थोड़ा पाई बॉन्डिंग आ गई, बोथ फॉर्म्स इन सॉल्यूशन फेज, और इसमें देखिए पीएच आ गया, तो मतलब इस बेंजीन के साथ तो इनफ पाई ओवरलैप होगा, तो ये जो होता है ये पूरी तरह स्क्वायर पिरामिडल ही होता है, ठीक है। और भाई जो फ्लक्सियोनिटी वाली बात है वो हम कह सकते हैं भाई ऑब्जर्व्ड इन
complexes of coordination number 5 mostly. ठीक है, और भाई इसके अलावा एक एग्जांपल और होता है जो आपको पता होना चाहिए, NiCN5-2 भाई also shows fluxivity. ठीक है, तो ये हमने एक नई चीज देखी, fluxivity. अब देखिए CrCO6 क्रोमियम आर्गन 3D5-4S1 बहुत सिंपल केस है, 6CO. अच्छा देखिए 6 empty भाई HOs आर रिक्वायर्ड, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक दो तीन चार पाँच छ और 4s 4p, तो यहाँ से क्या जाएगा 6 empty D2SP3 HOs. अच्छा इसमें मैक्सिमम कोलिनियर एटम्स जल्दी से बता दीजिएगा, और मैक्सिमम बहुत आसान है बच्चों, कितना कितना होगा जल्दी बताइए, कम ऑन पार्टिकल्स. सर 9 कोप्लेनर एटम्स एंड कोलिनियर विल बी 5. ठीक है, जो ऑक्टेटल होगा तो जो स्क्वायर बेस है उस पर देखिए 4 CO और एक कारण 9 हो गए, और लाइन में चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए 5 होंगे. ठीक बच्चों, सर CR होगा ना? हाँ जो भी हो यार, एफ ले लो, सी ले लो भाई, वो रफ है, वो एम ले ले सर. करिए जल्दी करिए. सब लोग कर चुके? यस. हाँ सर. अच्छा अब देखिए साहब, देखते हैं Mn2CO10. तो पहले तो स्ट्रक्चर Mn यहाँ 5 CO होते हैं, यहाँ 5 CO होते हैं. कितनी ऑर्बिटल चाहिए भाई? यहाँ पे 5 empty एंड 1/2 filled. HOs are required. Getting it? तो भाई अब देखिए मैंगनीज आर्गन 3D5-4S2 COs 1, 2, 3, 4, 4S, 4P, 5, 6, 7 ये इंटरमिक्स होंगे 5 empty एंड 1
half filled, d2sp3 HOs, और बच्चों देखिए ये जो होगा वो d2sp3 प्लस d2sp3 ओवरलैप से बनेगा. तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, Mn इसका इलेक्ट्रॉन, Mn इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक वो बन गया, एक वैसे बन गया, तो उससे माइंड मत करिएगा, 3 4 और ये थोड़ा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी, ब्यूटी पे ध्यान मत दीजिएगा. तो ये सिंपली CO के साथ फिल्ड, ऐसे हमने दिखा दिया CO. और ये CO, और ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. बच्चा बाटी देखिए, अगर कोई दुख या दर्द हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. बचवाड़ी, यस सर, जस्ट डन सर, कर लिया भाई. चलिए अब देखते हैं, सभी केस देख सकते हैं. देखिए CO2, CO8 और लिक्विड. तो ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये बड़ा ही डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, लिक्विड फॉर्म में ये टर्मिनल रहता है, 4 CO इधर 4 CO इधर. सॉलिड भी हम देखेंगे कुछ चेंज हो जाता है. और कितने ऑर्बिटल चाहिए भाई, 4 empty and 1 half filled ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड. और कोबाल्ट इज आर्गन 3d7 4s2. और भाई CO आएंगे तो 1 2 3 4 5 4p 9. तो देखिए ये मिक्स होंगे और 4 empty and 1 half filled DSP3 HOs. और भाई मतलब ठीक है, बस मतलब यहाँ पे भी देखिए कोबाल्ट कोबाल्ट लिंकेज जो होगी कैसे बनेगी, DSP3 प्लस DSP3 से बनेगी. ठीक है, अब देखिए भाई अब CO2 CO8 अगर सॉलिड देते हैं तो मैं लिखवाऊंगा कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है भाई. मतलब
यूनिट्स ज्यादा पास आती हैं टू गेट बेटर एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सॉलिड स्टेट एंड दिस एंड्स अप बीइंग अ ब्रिज्ड कार्बोनिल इन सॉलिड स्टेट. मतलब सॉलिड स्टेट में ये इस तरह से CO CO और CO होता है, ये CO, ये CO और ये CO. अगर ये लेंथ L2 ले लें, वहाँ पे लेंथ L1 है, तो L2 जो होता है वो L1 से कम होता है. मतलब यूनिट्स क्या आ रही हैं, पास आ रही हैं. अब देखिए बॉन्डिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई. कैसे कॉम्प्लेक्स हो गई? यहाँ पे तीन एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए इनके साथ, पर ये तीनों रेगुलर बॉन्ड है. तीन एम्प्टी एंड थ्री हाफ फिल्ड HOs आर रिक्वायर्ड. तो देखते हैं आगे कैसे होगा. ये लिख लीजिए, सर एक डाउट है, सर आप प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं कि कितने एम्प्टी और कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए? मतलब बेटे जितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं उतने एम्प्टी चाहिए और जितने नॉर्मल बन रहे हैं. अच्छा सर समझ गए, है ना? नहीं जल्दी समझ गए. और कोई भाई बंधु? अब भाई यहाँ पे आर्गन 3D7 ठीक है, तीन एम्प्टी और तीन हाफ फिल्ड आएंगे. थ्री एम्प्टी एंड थ्री हाफ फिल्ड P2SP3 HOs. ठीक है, और भाई इस बार जो ये बॉन्ड होगा ये कैसे बनेगा? P2SP3 प्लस D2SP3. बचवाड़ी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा. ये दोनों D2SP3 से बन रहे हैं, ये वाला बॉन्ड. और ये अगर पूछ लें ये कैसे बनेगा भाई, ये वाला बॉन्ड जो कार्बन के साथ है, D2SP3 प्लस SP2 ओवरलैप्स. एक कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, ये SP2 है, D2SP3 तो SP2 और इससे. ये दोनों रेगुलर बॉन्ड्स हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स. जनता ये बनता और अब देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या आ गया. अब मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ये यहाँ से भाई D2SP3. अच्छा अब ये हो गया, तो एक और लेते हैं. देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस है, Fe2CO9. स्ट्रक्चर कैसा होता है, Fe थोड़ा फैक्चुअल है केस. CO क्या फैक्चुअल है बताऊंगा, और सीरियल बॉन्ड हो. अब कितने चाहिए ऑर्बिटल्स बताइए, अपने आप बताइए. एम्प्टी कितने चाहिए?
3 empty and 4 half filled orbitals are required. So iron hota hai, argon 3d6, 4s2. देखिए अरेंजमेंट ही लेते हैं और यहाँ पे बेटे देखिए अब ये D3SP3 नहीं होता है, एक्चुअली यही फैक्ट है इसमें. तो यहाँ से क्या होगा, 3 एम्प्टी D2SP3 एंड 3 हाफ फिल्ड D2SP3 होगा. और यहाँ से ये जो बॉन्ड बनेगा ये इस बार D+ डी ओवरलैप से बन रहा है. तो ये इसीलिए डिफरेंट है कि अभी तक जितने ही मेटल मेटल बॉन्ड आए थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से थे, इसमें डी ऑर्बिटल से है. बच्चों कॉपी करिए जल्दी से, आई एम कमिंग इन अ मिनट. पार्टिकल्स सर आपने क्या रीजन बताया कि D3SP3 एग्जिस्ट नहीं करेगा यार, कि मतलब ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होते हैं इस आयरन में, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल केस है, ऑब्जर्व्ड केस है यार बेटे. मतलब मुझे एक एग्जांपल आपको ये D+D का बताना था इसलिए मैंने लिया. तो यहां पर जो Fe-Fe की बॉन्डिंग होगी वो प्योर डी ऑर्बिटल से होगी राइट? बिल्कुल वो प्योर डी ऑर्बिटल, इसीलिए मैंने लिखा है D+D. बेटा आपका नाम बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. रनवे. बेटा सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है कि सिंगल होता है? सॉरी सर, सॉरी. भाई लोगों अच्छा अभी तो कर रहे होंगे ना, आराम करते रहिए करते रहिए. हो गया सर? हो गया और भाई बच्चों बस ये कार्बनल्स का एक आखिरी केस देखते हैं. Fe3CO12 और यहाँ पे क्या होता है, ये Fe Yes. अब पता लग रहा है यहाँ से 4 एम्प्टी एंड 2 हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड. यस सर. और देखिए ये इस बार फिर दोबारा D2SP3 plus D2SP3 ओवरलैप है, ये
पी मतलब सब जगह लिखने को मतलब ठीक है, तो फोर एम्प्टी एंड टू हाफ फिल डी टू एस थ्री एच ओ आर रिक्वायर्ड ठीक है. जल्दी से noted sir. अच्छा हेलो सर. यस सर. चलिए अब देखिए भाई लास्ट में एक टेबल बना देते हैं कार्बोनेट्स की, जिससे कि सब कुछ आपको रिवाइज करने में आसानी होगी. भाई मेरे साथ साथ बना सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिल नंबर ऑफ टर्मिनल सीओ देखिए भाई टर्मिनल सीओ चार पाँच छः रेजिंग कुछ नहीं है, मेटल मेटल कुछ नहीं है, फाइव ऑन ईच मैंगनीज एक फोर ऑन ईच कोबाल्ट करिए मेटल कार्बन पूरा किया. क्या कहते हैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़े जनता आज सर कॉलेज एग्जाम है. कॉलेज एग्जाम है सर. बढ़िया बेटा और जल्दी छोड़ने को बोल देते बेटा आधे घंटे मेरे को कॉलेज एग्जाम की वजह से. ये इकलौता ऐसा बैच है मतलब कि भाई जिसमें कॉलेज एग्जाम की वजह से बच्चे कहते हैं कि वो तो मत पढ़ो 10-15 मिनट. कॉलेज एग्जाम 3:30 से स्टार्ट होता है, पढ़ा सकते हैं आप 8:15 को स्टार्ट हो जाता है सर. मुझे नहीं पढ़ाना अगर आपको ना, देखिए जैसे ही मैंने बोला वैसे ही दो बच्चे बोलते कॉलेज एग्जाम है, तो ऐसे टीचर बच्चों को मुझे नहीं पढ़ाना है यार. मतलब अगर आपको 15 मिनट पढ़ते हुए आफत आ रही है तो भैया तुम अगली बार से बोल दो मैं आधे घंटे पहले छोड़ दूँ.
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ाना मेरे को, कॉपी कर लीजिए। मतलब एटीट्यूड देखिए, पढ़ने का है ही नहीं मतलब बिल्कुल भी। जैसे ही बोला कॉलेज एग्जाम है, 3:30 बजे से कॉलेज एग्जाम है, क्या होगा? इंग्लिश का होगा वो। हद है, बहुत ही फटीचर बच्चे जो दोनों जो बोले, बहुत ही बकवास बच्चे बेटे आप। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। नहीं सर, आज सीएस का है। अबे तो सीएस में कौन सा, मतलब तुम्हें कंप्यूटर बनाने को बोल देंगे यार, छोड़ो। चलो बाय बाय।